तो जी गाइस, हम पहुंचे हुए हैं इस टाइम पर फोलुंग का मस्कन गुलतरी में। ये खूबसूरत आप गर्म का स्टाइल देख सकते हैं, कदीमी तर्ज तामीर है, यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं। गाइस अभी जो है ना, हम छत पर चढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने वीडियोस बनानी है, शूटिंग थोड़ी हमारी होगी। और यहाँ से देखे जी व्यू गनियाल का। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इनटू अनदर व्लॉग। इस वक्त हम सतह समंदर से 13,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है और गुलतरी में। आज हमारा दूसरा दिन है। पहले व्लॉग आपने देख ली होंगी कल की, जो कि हमने रास्ते में बनाई खूबसूरत चीज़ें, मकामात आपको दिखाए। तो यहाँ पर जो नौजवान हमारे स्कर्दू से जो आए हुए हैं और यहाँ के मकामी हैं, वो सारे अभी बेदार हो रहे हैं, अभी जाग रहे हैं और अभी यहाँ पर नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा है। तो इकबाल भाई, आज का शेड्यूल बताए, आज क्या होने वाला है, क्या इंतज़ाम है, क्या क्या चीज़ें होगी आज? यकीनन केसर भाई, आज हमारा दूसरा दिन शुरू हो गया है और ये आज आखिरी दिन है। आज के दिन तमाम एक्टिविटीज़ है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, रस्साकशी है, तैराकी है, बसराए है और बहुत सारे ऐसे गेम का आज इनेकाद होना है जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अभी तमाम जो सयाह है, खिलाड़ी है, उनके लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया है। यह मुकम्मल है और यहाँ पर जो है आशिक भाई भी पहुँचे हुए हैं। और आशिक भाई, क्या कहेंगे आप जी, आज की क्या होगा, इंतजामात क्या है? आज का सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे। अच्छा। नाश्ते के बाद ग्राउंड जाएंगे, ग्राउंड जाके वहाँ मुख्तलिफ गेम रखा हुआ है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, सही है, रस्साकशी है, गुल्ली डंडे है। बहुत अच्छी एक्टिविटीज आज के दिन की है और जो ट्रेडिशनल यहाँ की गेम है, सकाफती, वो भी खेली जाएगी, रिवायती गेम है और इसके साथ साथ क्रिकेट, वॉलीबॉल वगैरह भी खेले जाएंगे। तो अभी जो है नाश्ते की तैयारी हो रही है और इसके बाद आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि आप रोज़ाना मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं मगर आपको एक ट्रेडिशनल वीडियो देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। तो गाइस, यहाँ पर नाश्ता अभी जो है शुरू हो गया है हमारे ट्रेडिशनल अज़ोक और चाय के साथ और ये मुंतज़िमीन है। नाश्ता अभी शुरू हो गया। तो जी नाश्ता हमारा आ गया है दस्तरखान पर और अभी जो है नाश्ता हम खा रहे हैं। ये यहाँ की जो है ना स्पेशल की है, जो कि आपको स्कर्दू में मिलेंगे, पता नहीं यहाँ की है स्कर्दू से। हमने नाश्ता कर लिया है और यहाँ की यखमों की जो है ना स्पेशल घी के साथ, जो कि काफ़ी मशहूर है गुलतरी की। और यहाँ पर जो है ना उस्ताद हमारे नाश्ता वास्ता बना रहे थे बड़े मज़ेदार तरीके से, ठीक है। तो ये आप देखें, जाम है, घी है, सब कुछ है, रात को रायता शायता, ये सारे जो है ना मुंतज़िमीन है, इन्होंने मैनेज किया ये सारा प्रोग्राम, जो मकामी अफराद है। और इकबाल अली इकबाल साहब तो बस अपना ही वो है, अपना अंदाज है उनका। बस अभी नाश्ता कर लिया है सब ने और सबको हमने यहाँ का जो घी है, मशहूर है, यकमो का घी है, जो बहुत ही टेस्ट होता है उसमें, उसके अलावा जाम, अंडा, नमकीन चाय, बड़ा मज़ेदार, बड़ा मज़ेदार है और सब ने इंजॉय किया है। हम जा रहे हैं खेलने, खेलने के लिए जा रहे हैं, बड़ा इंजॉय किया। और अभी नमकीन चाय जो है ना मैं गिलास में पी रहा हूँ, क्योंकि जो ना गिलास में ये जो है ना ठंडा नहीं होता भाई, गर्म रहता है, ठीक है। गाइस आज जो है हमारा दूसरा दिन है गुलतरी में, तो अभी जो है ना गेम स्टार्ट होने वाले हैं और अभी देखिए गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही है। अभी जो है यहाँ से मेरा ख्याल में किसी दूसरे गाँव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सियाती मकाम है एंड रियली आई एम वेरी इंजॉइंग। तो जी ये गुलतरी में जो खूबसूरत इवेंट हो रहा है, फेस्टिवल, और जिनमें जो है ना इन सारे जो नौजवान स्कर्दू से आए हुए तकरीबन 200 से 300 अफराद तो यहाँ पे थे रात को, इनको खाने का इंतज़ाम से लेकर नाश्ते से, यहाँ पर सोने सुलाने से सारे जो इंतज़ाम किया है वो पानी और बिजली के यहाँ के मुलाज़मीन ने, उन्होंने बड़ा ही अच्छा यहाँ पर किरदार अदा किया, मेहमान नवाजी की। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम इस हवाले से। चलो चेहरा रहिए तो कम से कम पे भी जो है ना आपको गांव नज़र आ रहे हैं
और ये जो है ना टेले पे गांव है, खेतों खेत बनाए हुए हैं। ये जो शिंगो शुगर का दरिया है जी, पुल हो गया यहाँ पे, बड़ी जो आपको अच्छी मछलियाँ भी यहाँ पे मिलती है, देसी मछलियाँ अगर आपने पकड़ना है तो आपको इधर आना पड़ेगा। और व्यू देखे भाई, तो ये घनियाल का आप दूसरा साइड देखे जी, ओह यहाँ पे भी एक ब्रिज है और ब्रिज के साथ ये जो है दरिया, ये जो दरिया है ये यहाँ से जो है ना लद्दाख करगिल की तरफ जा रहा है, फिर वो घूम के फिर दरिया से एंटर हो जाते हैं, क्योंकि ये इस साइड पर जो है भारत है, इंडिया है इस साइड पर, तो यहाँ से जो है पानी आ रहा है ये रमास्तोर वगैरह को टच करते हुए। देखे जी खूबसूरत बकरियाँ, वाह यहाँ पर जड़ी बूटियाँ खा रहे हैं। तो देखे मैदान सज गया है और पूरी तैयारियाँ जारी है, खाने भी पक रहे हैं और टीमें भी ग्राउंड में आ चुके हैं। अब से कुछ देर बाद होगा यहाँ पर कांटेदार मुकाबला। हाजी साहब ये अस्ताना यहाँ पर है अभी, ये जो हमारे सामने है घनियाल में, इसकी तारीख क्या है, ये कब अस्ताना बना है? ये 1900 शायद 91। अच्छा 91 में यहाँ लोकात हो गया। अच्छा, तो 15 साल का जवान था सईद असगर शाह, सईद हसन शाह का बेटा है। तो जी यहाँ पे घनियाल में जो है फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पे जो है एक बकरा जो है यहाँ पर पहाड़ी बकरा नौजवानों के लिए जो है ना ज़बह कर लिया और अभी मज़ेदार खाना बनने वाला है। भाईजान जो है बड़े अच्छे कुक है, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है ना आगे टाश हो रहा है, हम वहाँ पर चल रानी रानी पूछा रोला। तो ये देखे जी इलाके के अमाइदीन जो है आ रहे हैं टोपियों के साथ। अरे जी मैच तो वहाँ पर शुरू हो गया है और मैं थोड़ा इन इलाकों की तरफ निकलता हूँ, गाँव की तरफ, इनके मकान देखेंगे, एक इंटरव्यू भी हमने करना है। तो फिलहाल के लिए हम मैच शुरू हो गया, अभी हम इस तो गाइस अभी हम हाजी साहब के साथ जा रहे हैं। हाजी साहब आपका नाम क्या है? हैदर। हैदर साहब जो है इनके साथ हम अभी जा रहे हैं, देखे घर बड़े खूबसूरत यहाँ पर बने हुए हैं और अभी आगे जाके जो है ना हमने जो हमारे ट्रेडिशनल लस्सी बनाते हैं ना घी जैसे बनते हैं, तो उसकी जो है ना हमने वीडियो शूट करनी है और आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो जी गाइस हम पहुंचे हुए हैं इस टाइम पर फोलुंग का मस्कन गुलतरी में। ये खूबसूरत आप घरों का स्टाइल देख सकते हैं, कदीमी तर्ज तामीर है, यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं। तो ये देखे जी घर में ये जो लकड़ी है, ये कौन सी लकड़ी है जी साहब? चीर की है ये। चीर की लकड़ी है, बहुत ही मजबूत है, तो इसी से जो है ना इन्होंने ये घर तामीर किया हुआ है। घरों का स्टाइल बहुत ही खूबसूरत है, तो जो शहरों में हम देखते हैं लोग बहुत ही एक कंजस्टेड उसमें रहते हैं, बट यहाँ पर अध्यातों में अपना ही एक अलग मजा है, नेचुरल है, यहाँ नेचुरल है, बिल्कुल सुकून आ रही है, बिल्कुल सुकून है। और सर्दियों में यहाँ गर्म हो गई है। वाह जी वाह, सर्दियों में गर्म, बाहरी में यह ठंडा है, ठंडा है। और इसकी जो दीवारें है वो स्टोन की है पूरा, वाह पूरी स्टोन की, पूरी स्टोन की है। और चील के दरख्त है, वुड वर्क जो है ये चील का है। और सर्दियों में यहाँ बुखारी लगाते हैं, जो सुराख है अभी ये देखे जी बुखारी, हाँ यहाँ अंगीठी लगाते हैं और हीटिंग के लिए यहाँ फायर वुड को यूज करते हैं और अच्छी तरीके से बैठते जिंदगी। और गोश्त यहाँ होते हैं, घी होते हैं, घी होते हैं, नेचुरल माहौल है, माहौल है, नेचुरल फूड है यहाँ पे, दही। तो ये हमारे पास अभी हाजी साहब ने, हैदर साहब ने जहमत की है, देसी दही हमारे पास पहुँची है, ट्राई करते हैं। गाइस अभी जो है ना हम छत पे चढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने वीडियोस बनानी है, शूटिंग थोड़ी हमारी होगी। और यहाँ से देखे जी व्यू घनियाल का, अमेजिंग व्यू ऑफ गुलतरी वैली, ये देखे जी। उस्ताद बताएगा क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बस अभी सालन, अच्छा कढ़ाई, बीफ, वाह 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 वाह, और तैयार हो रहा है सर। बिल्कुल देखे जी मजेदार, यहाँ पे हमारे मुंह में जाए पानी आ रहा है। और इस सियाती मकाम पर अब वो जो
हमारे कैप्टन साहब पे उनके मैच हारने के बाद इधर पहुंच गए हैं। अच्छा जीतने के बाद यार, चलो सॉरी, इतनी जल्दी कैसे जीत गया पता नहीं 5 मिनट में। तो अभी ये कुकिंग भी कर रहे हैं। यहाँ की खास बात यह है कि ये लोग जो है ना सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। ये यहाँ पर कैंप भी साथ लगा रहे, खेल भी रहे, खाने भी खिला रहे हैं। हाँ स्कर तो हमारे साथ आए हैं वो उधर से। तो ये सारे जो है ना हर फन मौला बने हुए हैं यहाँ पर। तो जी गेम चल रहे हैं, जोश खरोश जारी है। अभी तो हमने 2-3 वीडियोस भी बना दिए है, टोपी शोपी भी डाल दिया है, ठीक है। अभी ऐलानात हो रहे भाई, 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है। सारे ठीक ठाक यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े बड़े कुलतरी के। तो अभी देखते हैं नमाज में क्या क्या देखते हैं। और खतरनाक प्लेयर है, आप देख रहे हैं इस वक्त शिंगो किनार फेस्टिवल बुलंदबाड़ा पहाड़ों के बीच में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिल रहा है। बहादुरों का जय। इसके बाद रासा कशी का मुकाबला, पहलवानों का खेल। देखे जी गोश्त तैयार हो गया, अभी गोश्त निकाल रहे। ये क्या बनाया है, कढ़ाई? वो तो बकरा जीवा हो रहा था सुबह। अच्छा बकरा अलग है, सुबह अभी जो है ना। तो गए सुबह जो है ना यहाँ पे बकरा जीवा हुआ था, यहाँ के जो पहाड़ी बकरा है जो कि जड़ी बूटियाँ खाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी उसका सूप यहाँ पे जो है ना तैयार हो रहे हैं, हम पे सूप चेक करता हूँ। बाकी ये गोश्त तैयार हो गया, मुख्तलिफ डिशेस यहाँ पे बना दिया है, जो सकाफती डिशेस भी है। तो बड़ा एडवेंचर हो रहा है मेहमान। कौन सी क्लास में है? 6। ये टू क्लास में। हम ये ट्रिप पर ट्राई कर रहे हैं। सालन मैच जीत गया जी भाई, खुशी हो रही है। हाँ बच्चों ने भी जब अंगी मचाई हुई है। ओ जी वाह जी वाह वाह जी। गाइस मैं और इकबाल भाई भी अभी जो है ना पेट पूजा करने वाले हैं। अभी हम बैठ रहे हैं जी यहाँ पर, जो है खाना हमारा आ गया। तो भाई जो है गुलतरी में हम ट्रेडिशनल फूड ही आज पूरा दिन भर टेस्ट करते रहे हैं। तो अभी भी जो है ना एक भाई ने अभी दावत दी है और बहुत ही मेहमान नवाज यहाँ के लोग हैं। और ये अभी जो है देसी घी के साथ क्या है, फुरूस है ना, दूसरा लस्सी है, फुरूस है, दही है, हाँ देसी चपाती, सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो है ना टेस्ट करते हैं इंशाल्लाह। पानी का वाला एक शुरू से नहीं जाना मुझे एक भाईजान आपका इंटरव्यू है अभी मेरे चैनल के लिए। मौजूद है 40,000 फुट की बुलंदी पर। हम इस वक्त मौजूद हैं समंदर से 10,000 फुट की बुलंदी पर। 40,000 फुट के हो ना, बात सुने भाई, 40,000 फीट पे फरिश्ते होते हैं। हम रस्सी कशी की जो है तैयारी हो रही है, रस्सी कशी की बारी है। ऐसे इवेंट अभी जो है ना क्लोज हो गया बिल्कुल, और अभी जो है ना सारे सामान यहाँ पर क्लोजिंग पे है। एंड गाइस हम अभी जो है स्कर्दू की तरफ रवा दवा है और गुलतरी से हम निकल रहे हैं। तो अभी गाड़ी के जो है ना टायर में हवा भर रहे हैं।